दोस्तों कि आपके चेहरे पे भी समय से पहले बुढ़ापा आता जा रहा है, आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, सनबर्न हो गया है। आपको पता है आपकी स्किन का कलर साफ था लेकिन उस पे काली परत जम चुकी है, तो डेफिनेटली आज का मेरा ये होममेड एंटी एजिंग मास्क आपको जरूर जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आप 25 के हो चुके हैं या अगर आप 15-16 ईयर के टीनएजर भी हैं तो भी आपके लिए बहुत ही काम का है। जो आप पार्लर जाके महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं ना, ये उनसे भी ज्यादा अच्छा ग्लो देगा, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। चलिए फटाफट देख लेते हैं किन किन चीजों की जरूरत है, कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे दो आलू जिनको मैंने धोने के बाद छील लिया है। आलू क्या करता है, आपकी स्किन पर जो काली परत आ गई है, अनइवन स्किन है, ठीक है, इन सबको हटाता है, आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है। अगर आपके फेस पे झाइयां हैं, पिंपल एक्ने के मार्क्स हैं तो ये उनको भी रिड्यूस करता है। अब हम क्या करेंगे, आलू को सबसे पहले कद्दूकस करेंगे। यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसका जो जूस है हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे, या तो आप किसी कपड़े की हेल्प से निकाल सकते हैं या फिर आप छन्नी की मदद से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आलू का कद्दूकस करके उसका पूरा जूस इस बाउल में निकाल लिया है। अब देख लेते हैं हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या रहेगा जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, एंटी एजिंग का काम करेगा। जापानीज गर्ल वुमेन्स भी इसका इस्तेमाल करती हैं और ये आपके घर पर हमेशा अवेलेबल होता है, और ये है चावल। ये चावल क्या करते हैं, आपके स्किन को नेचुरली ब्राइट करते हैं, आपके स्किन के टेक्सचर को लाइट करते हैं, जितनी भी टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, सबको बहुत अच्छे से रिमूव करके आपके स्किन पे एक फेविकॉल का काम करते हैं, यानी आपके स्किन पे एंटी एजिंग का काम करते हैं, खिंचाव लेकर आते हैं आपके स्किन पर। तो हमें इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना बल्कि इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना है, और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपने फेस मास्क लगाना हो तो चावल के पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर इनको मैंने धो रखा है, धोने के बाद अच्छे से इनको मैंने सुखा लिया है धूप में, देन उसके बाद में जब ये ड्राई हो जाएं उसके बाद ही आपने इनका पाउडर बनाना है। आप देख सकते हैं इसका पाउडर बनके तैयार हो गया है, लेकिन हल्का दरदरापन ना हो जो आपकी स्किन पे नुकसान ना करे, क्योंकि हम पैक बना रहे हैं ना कि स्क्रब, तो इसको हम छान कर इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी इसमें 1 चम्मच चावल का आटा। आप देख रहे हैं जो चावल हल्के से दरदरे रह गए थे उसको हमने निकाल लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली लग रही है तो आप इसमें हल्का सा पाउडर और ऐड कर सकते हैं आलू के जूस में। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए अब इसको हम फेस पे अप्लाई करते हैं, लेकिन आप ये मत सोचना कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक। हार्डली आप 2 डेज इसका यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से इसको फ्रेश बनाना है। अब बहुत बड़ी बात आ जाती है कि इसको अप्लाई कितनी बार करना है। अगर आपसे ज्यादा बन गया है तो आप कंटिन्यूस 2 दिन इसको अप्लाई करें, अदरवाइज आपने इसको वीक में ओनली 2 टाइम्स ही अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो इस तरीके से या तो अपने फिंगर से आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए, या फिर किसी भी ब्रश की हेल्प से आप अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कब करना है, रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से किसी भी फेस वॉश से क्लीन कर लीजिए या नॉर्मल वाटर से, देन इसको आपने अप्लाई करना है। और 20 मिनट बाद जैसे ही ड्राई होना स्टार्ट होगा आपकी स्किन में खिंचाव आपको फील होगा, और यही खिंचाव हमें चाहिए। तो 20 से 25 मिनट बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए, कोई आपने फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी, और उसके बाद कोई भी आप मॉइस्चराइजर लगा के सो जाइए। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे कुछ नया देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। आई एशा मेहरा, मैं मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।